नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के ग्रामीण अंचल स्थित गौतमपुरा थाना क्षेत्र में महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई मामले में चार महिलाओं पर कार्रवाई के साथ ही बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा ज्ञापन सौंपा वीडियो बनाने वाले पर भी कार्रवाई की मांग करते हुए कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाए गए। दरअसल पूरा मामला इंदौर जिले के ग्रामीण अंचल गौतमपुरा के ग्रामीण गांव में एक महिला को निर्वस्त्र कर पिटाई से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस महिला की पिटाई की गई है वो महिला अन्य महिलाओं की सास को अपने साथ मंदसौर लेकर गई थी और इसी बात पर से महिलाओं ने नाराज होकर महिला की जमकर पिटाई कर दी। लेकिन जिस तरह से महिला को रोड पर लाकर निर्वस्त्र किया गया उसे तालिबानी हुकूमत वाली सजा देखी जा सकती है कि किस तरह से महिला को पीटा जा रहा है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने चार महिलाओं के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। तो वहीं बलाई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार द्वारा ज्ञापन सौंप कर वीडियो बनाने वाले और क्षेत्रीय नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग की गई है। समूचे देश में इंदौर शहर को, इंदौर जिले को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई है। हमारी बहन ज्योति कायस्थ को सारे रात दिन दहाड़े अन्यत्र दबंग महिलाएं जिनकी संख्या 15 से अधिक थी, उन लोगों ने घर में से निकाल कर घसीट कर मारते पीटते हुए उसे निर्वस्त्र किया और निर्वस्त्र करने के साथ उसे गांव में घुमाया गया। और यह जो घटना है यह आप लोगों के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए शर्मसार कर देने वाली घटना है। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर, उनके मकान तोड़ने की मांग को लेकर, जो सहयोगी की भूमिका में आरोपी है उनको गिरफ्तार करने की मांग को लेकर, जिन्होंने षड्यंत्र रचा, संजय पटेल, पिता उमराव सिंह मौर्य जैसे लोगों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हमने यहाँ पर प्रतिनिधिमंडल के रूप में माननीय आईजी महोदय ग्रामीण से मिलने आए थे। हमने उनसे अनुनय विनय करी है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो, सहयोगी लोगों की गिरफ्तारी हो, जो लोग महिलाओं को भड़का रहे थे उनकी गिरफ्तारी हो, उनके मकान ध्वस्त किए जाए, उन पर रासुका लगाई जाए, इस मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल माननीय आईजी महोदय से मिलने आए थे। सर, मामले पे प्रकरण दर्ज करने की बात, ऐसा माननीय आईजी महोदय द्वारा बताया गया कि मात्र चार महिलाओं पर प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, किंतु समाज इससे असंतुष्ट है। आरोपी महिलाएं 15 से अधिक संख्या में है। वहाँ मेरा और समाज का ऐसा मानना है, हमारा सभी का ऐसा मानना है कि चीरहरण जो हो रहा था, महिलाओं का जब निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब यह घटना देखने वाले अन्यत्र महिला पुरुष चाहते तो उस महिला की रक्षा और सुरक्षा कर सकते थे, किंतु किसी महिला पुरुष ने आगे आकर उसकी लाज नहीं बचाई, आबरू नहीं बचाई, इज्जत नहीं बचाई, इसलिए वे सब भी दोषी हैं, उन पर भी कार्रवाई होना चाहिए, ताकि आगे से हमारी किसी बहन, किसी माँ की इज्जत आबरू इसे सरे राम लूटी न जा सके। सर, आदर्श आचार संहिता लागू है और ऐसे में यदि आप जो मांगे रखी नहीं मांगे मानी गई तो आप किस तरह से आगे? देखो, हम बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी है, जिन्होंने हमें इस देश की सबसे बड़ी ताकत कलम का सिद्धांत सिखाया है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया समूह हमारे साथ है। ऐसे अन्याय और अत्याचारी लोगों के खिलाफ आप सबके सहयोग की भूमिका के लिए मैं आप सबका धन्यवाद और आभार ज्ञापित करते हुए मैं आप सबसे भविष्य में भी सहयोग की भूमिका के लिए आग्रह करूंगा और ये आंदोलन मेरा अनवरत जारी रहेगा। आदर्श आचार संहिता के कारण हमने यहाँ आंदोलन न करते हुए प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम माननीय आईजी महोदय से मिले। बछौड़ा ग्राम में की ये घटना है जो गौतमपुरा थाने के अंतर्गत आता है। वहाँ पे एक महिला के साथ चार महिलाओं ने मारपीट की है, उसके घर में घुस के मारपीट की गई, फिर उसके बाद बाहर निकाल के भी उसके साथ मारपीट की गई है। चारों महिलाओं के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया, केस रजिस्टर करने के बाद उन्हें अरेस्ट भी किया गया और जेल भेज दिया गया है। ये घटना 25 तारीख की है, 25 तारीख को ही हमने केस रजिस्टर किया था और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है कि एक आरोपी पक्ष की एक महिला की सास को पीड़ित ने मंदसौर ले गई थी, जबकि पीड़ित महिला का ये कहना है कि वो मंदसौर लेके नहीं गई है। अब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के तहत चीज़ें और स्पष्ट होगी। एक चीज़ और मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि दलित महिला के साथ मारपीट की गई है। दोनों ही पक्ष अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और दोनों ही पक्ष अनुसूचित जाति वर्ग के होने के कारण इस प्रकार की जो भ्रांति आप जो मीडिया में फैलाई जा रही है, सोशल मीडिया में आ रहा है, वो गलत है। सर, क्या पीड़िता को निर्वस्त करके गाँव में घुमाया गया था? गांव में घुमाने की ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, उसके साथ जब मारपीट की गई थी तो उसके कपड़े फाड़ने की बात सामने आई है। चारों आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और जिन धाराओं में उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है वो 452, 354, 323, 506, 34 IPC के तहत केस रजिस्टर किया गया है। सर, इस घटना में किसी राजनीतिक दल के व्यक्ति का नाम भी आ रहा है सामने? अभी तक जो आरोपी हैं, चार महिला आरोपी हैं इसमें, उनके खिलाफ ही कार्रवाई हुई है। टाइम न्यूज़ देखिए।
देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर।